नमस्कार दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब चुनाव के बाद किसानों के खातों में आएंगे 2 लाख की कर्जा माफी। यानी राज्य के जिन किसानों की भूमि 5 एकड़ तक की है और उन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन दे रखा है, उन सभी किसानों के बैंक खातों में 2 लाख रुपए की आर्थिक कर्जा माफी योगी सरकार की ओर से भेजी जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, 7 चरणों में चुनाव होने वाले, जिसमें से 2 चरणों के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, 5 चरणों के चुनाव बाकी है। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो योगी सरकार किसानों के कर्जे को माफ करने वाली है। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके बाद किसानों के बैंक खातों में राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक कर्जा माफी योगी सरकार की ओर से भेजी जाएगी। वहीं अखिलेश की सरकार ने भी राज्य के तमाम किसानों के कर्ज माफी को लेकर बड़ा घोषणा की थी, लेकिन इस बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि अभी वर्तमान में योगी सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव की विजय की ओर ज्यादा संख्या में जीतने के चांस ज्यादा है, जिसके कारण योगी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर सकती है। फिलहाल की सरकार की स्थिति को देखते हुए अब राज्य सरकार सभी किसानों का कर्ज मुक्त करने वाली है। अब प्रदेश के तमाम किसानों को कर्जा माफी का लाभ दिया जाएगा। साथ में कर्ज माफी के साथ साथ किसानों को अगले 3 माह तक सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। साथ में किसानों को अगले 3 महीने तक फ्री राशन देने की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। अब राज्य के जितने भी किसान जो गरीब एवं मध्यम वर्ग के किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान हैं, उनको 3 महीने तक राशन दिया जाएगा। दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो किसानों के साथ अब श्रमिकों को भी मिलेगी दूसरी किस्त की राशि। यानी जिन श्रमिकों ने श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत ई श्रम कार्ड के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उसकी पहली किस्त 3 जनवरी को जारी की गई थी और दूसरी किस्त सरकार की ओर से कहना है कि अब जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो दूसरी किस्त की राशि श्रमिकों के बैंक खातों में जल्द ही भेज दी जाएगी। तो सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, अब उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों को दिया जाएगा रहने के लिए पक्का घर। यानी जैसे ही चुनाव पूर्ण हो जाते हैं तो योगी सरकार प्रदेश के जितने भी गरीब परिवार है जो आज भी सड़कों के किनारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, यानी उनके काफी कमजोर घर है, उनको पक्के मकान के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, अब जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद कई सारे किसानों के बेनिफिट मिलने वाले हैं। किसानों को कृषि के नए आधुनिक तरीके के कृषि यंत्र यानी आर्थिक सब्सिडी के रूप में आपको कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे, जिससे किसान कम समय में ज्यादा उपज करेंगे, किसानों का समय बचत होगा, किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नए आधुनिक तरीके के जो कृषि यंत्र मिल जाएंगे उससे किसानों की आय भी दुगुनी हो जाएगी। तो पहली किस्त की 1000 रुपया सरकार की ओर से 3 जनवरी को भेज दी गई थी और बाकी दूसरी किस्त है सरकार जल्द ही आपके बैंक खातों में भेजने वाली है। तो योगी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान आज 15 फरवरी के दिन घोषणा की गई है, अब राज्य के सभी किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिस प्रकार सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य के तमाम किसानों की आय को दुगुना किया जाएगा, तो उसके दिन अभी शुरू होने वाले हैं। किसानों को कृषि यंत्र के लिए नए आधुनिक कृषि यंत्र दिए जाएंगे और पहली किस्त की जो राशि थी और बाकी दूसरी किस्त थी उन श्रमिकों को दूसरी किस्त दी जाएगी। इस प्रकार के कई सारे फायदे आप किसानों को दिए जाएंगे और गरीबों को पक्के मकान के लिए रहने के लिए पक्के मकान दिए जाएंगे और फ्री में राशन दिया जाएगा। इस प्रकार सरकार इस 2022 के चुनाव में कई सारे बेनिफिट आपको देने वाली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के जिन जिलों के चुनाव अभी बाकी है वो अपना वोट बहुत ही ध्यान से दें, क्योंकि वोट की अहमियत ज्यादा है। एक वोट आपकी जीत की ओर जा सकता है तो कहीं हार की ओर जा सकता है, फिर आपको काफी धोखा होगा। इसलिए आप अपने चुनाव का चिन्ह वोट सही तरीके से करें ताकि एक अच्छी सरकार बने, ताकि आपको भविष्य में आने वाले 5 साल भविष्य में कई सारी योजनाओं का लाभ मिले। तो दोस्तों, आशा करते हैं योगी सरकार की जो भी आर्थिक सहायता के रूप में किसानों के एवं श्रमिकों के लिए बताई गई योजना थी उनसे हमने आपको अच्छी तरह बताया है और आपको क्लियर हो गई है। फिर भी आपको योगी सरकार से कुछ कहना है या कोई भी आपसे आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों, योगी सरकार का ट्विटर अकाउंट का लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं और किसान कर्ज माफी की पूरी जानकारी भी वहीं आपको मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे और कोई नई इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत।